राजस्थान चुनाव में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी कांग्रेस? क्या राजस्थान में अकेले चुनावी बैतरणी पार कर पाएगी कांग्रेस? राजस्थान विधानसभा चुनाव के होने में भले ही अभी करीब 6 महीने का वक्त बाकी हो, लेकिन प्रदेश में चुनावी गहमा गहमी अभी से ही शुरू हो गई है। खासकर सत्ता पर कब्जा जमाने के लिए बेताब कांग्रेस ने बीजेपी को पटखनी देने के लिए अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। दरअसल कांग्रेस जहां 3 चुनावी राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी विरोधी दलों के साथ गठजोड़ करने की तैयारी में जुटी है, वहीं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के मुखिया सचिन पायलट के मुताबिक कांग्रेस को यहां किसी भी दल से गठबंधन करने की जरूरत नहीं है। सूबे में बीएसपी संग गठबंधन की संभावना पर पायलट ने साफ कर दिया है कि फिलहाल ऐसी किसी तरह के गठबंधन की कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में कांग्रेस काफी मजबूत है, हम 200 सीटों पर चुनाव लड़ने में सक्षम हैं और ऐसे किसी गठबंधन की कोई जरूरत दिखाई नहीं देती। हालांकि उन्होंने माना कि मध्य प्रदेश में गठबंधन को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन अभी कुछ भी फाइनल नहीं। वहीं एसपी प्रमुख अखिलेश, बीएसपी चीफ मायावती, जिग्नेश मेवाणी और हार्दिक पटेल के राजस्थान में कांग्रेस के लिए प्रचार करने के सवाल पर सचिन ने कहा कि फिलहाल ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन अगर कोई बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में साथ आना चाहता है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं। आपको बता दें कि 2013 के विधानसभा चुनाव में 21 सीटों पर सिमटी कांग्रेस को बहुमत के लिए 3 गुना से ज्यादा सीटें और जीतनी होंगी। ऐसे में कांग्रेस इसे कैसे हासिल करेगी? इस पर पायलट ने दो टूक कहा कि 2014 जैसा माहौल नहीं रह गया है। जनता ने राजस्थान में बीजेपी को एक बड़े मैंडेट के साथ भेजा था, लेकिन बीते 4 साल में ये सरकार किसान कर्ज माफी और रोजगार जैसे मोर्चों पर नाकाम रही है, जनता समझ चुकी है। हालांकि सचिन के इन दावों में कितना दम है ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।